नमस्कार, मैं दीति फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। वक्त के साथ लोगों के बीच में मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के साथ इससे जुड़ी बीमारी और लक्षण आदि पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस बारे में और जानकारी पाने के लिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी कई स्टडीज भी होती रहती है। हाल ही में एक स्टडी में शरीर के तापमान और डिप्रेशन के बीच संबंध पता करने की कोशिश की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसे दुनिया भर में लगभग 3.8% लोग प्रभावित रहते हैं। यह आंकड़ा छोटा नजर आ सकता है, लेकिन यह इतनी गंभीर बीमारी है कि इसकी वजह से लोग सुइसाइड जैसे कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन के कुछ लक्षणों के बारे में। सबसे पहले, डिप्रेशन की वजह से अक्सर पीड़ित व्यक्ति के मन में उदासी छाई रहती है। वे काफी बार दुखी और निराश महसूस करने लगते हैं। हमेशा थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन, खाने पीने और सोने की आदतों में बदलाव, उसके साथ ही रोज के कामों में रुचि ना रखना, खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आना, सोचने में तकलीफ होना, अपनी हॉबीज की रुचि को खो देना। इनमें से एक या एक से अधिक लक्षण आपके खुद में या आपके आसपास के व्यक्ति में भी नजर आए तो डॉक्टर्स की मदद लेना आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। वे दवाई और थेरेपी की मदद से डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन को कम करने के लिए आप खुद क्या करें। सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप पर्याप्त नींद लें, क्योंकि दिन में नींद लेना या रात के समय नींद लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। इसके साथ ही डिप्रेशन समस्या से कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, तो आप सबसे पहले खुद को ही स्वयं को देखें कि आप स्वयं आपकी मदद कर सकते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपकी भावनाओं और दिमाग को आसपास के लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से आप खुद को समझ सकते हैं। ऐसे ही दिन में कम से कम 30 मिनट खुद को दें, क्योंकि खुद के साथ बैठना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मेडिटेशन करें, खुद को शारीरिक रूप से हेल्दी रखें, अपने पसंदीदा कार्य को करें और इसके साथ ही नेचर के साथ भी समय बिताएं। इन सभी चीजों से आप डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। इसलिए इस बीमारी के लक्षणों के बारे में पता होना बेहद आवश्यक होता है, ताकि इससे लड़ने के लिए डॉक्टर की मदद भी ली जा सके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे हेल्थ रेट टिप्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।